हे हैरी वेलकम बैक टू द दैनल दिस इज मी राजवीर सिसोदिया एंड गाइस जैसे कि आप सारे लोगों को पता है ट्रांसफॉर्मेशन मैंने दोबारा शुरू कर किया और मेरे बहुत सारे भाई मसल बिल्डिंग में बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं आज का वीडियो उन मिस्टेक्स के ऊपर है जो कि मैं कभी करता था आज से कोई आठ नौ दस साल पहले जिससे कि मैं देखता था कि मेरा मसल बिल्ड नहीं हो रहा है आप भी कोई गलतियाँ करते हो आज भी तो इसीलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ और दूसरी चीज़ हमारा जो पहला मोटो होना चाहिए वो ये होना चाहिए हमारा माइंड ये होना चाहिए कि हम बिग अनरियलिस्टिक गोल्स ना बनाएं इंस्टेड ऑफ़ मेकिंग बिग अनरियलिस्टिक गोल्स हमारा जो गोल होना चाहिए वो होना चाहिए बींग हेल्दी एवरीडे और ये जो हमारे एवरीडे फिटनेस गोल्स के लिए हमारा ट्रस्टेड न्यूट्रिशन पार्टनर हो सकता है दैट कैन भी न्यूट्राबे न्यूट्राबे क्यों बहुत सारे भाई हमारे ये भी सवाल करते हैं कि भैया हमको जेनुअन सप्लीमेंट्स खरीदना है बहुत सारे लोगों के बॉडी बिल्डिंग गोल्स इसलिए पूरे नहीं हो पाते क्योंकि उनके पास अच्छा और ऑथेंटिक सप्लीमेंट पहुंचता ही नहीं है सो so, तो, न्यूट्रा बे कैन सॉल्व ऑल योर प्रॉब्लम्स बिकॉज न्यूट्रा बे है हमारा ट्रस्टेड मेगा स्टोर सारे प्रोडक्ट्स ऑथेंटिक और जेनून खरीदने के लिए यहाँ पे आपको मिल जाते हैं हंड्रेड प्लस इंटरनेशनल एंड नेशनल ब्रांड्स आप अगर इंटरनेशनल ब्रांड खरीदना चाहें तो वो भी आपको मिल जाएंगे नेशनल ब्रांड खरीदना चाहे तो वो भी आपको मिल जाएंगे तो जो भी आपका फिटनेस गोल है उस अकॉर्डिंग आप यहां से अपने ब्रांड्स कोई भी खरीद सकते हैं और जैसे आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा इनके पास सारे ब्रांड्स की ऑथराइज डीलरशिप और सर्टिफिकेशन अवेलेबल है और जो सबसे अच्छी चीज़ है वो ये है कि दो से चार दिन के अंदर पेन इंडिया डिलीवरी है डिलीवरी की बहुत फास्ट है आप आज ऑर्डर करेंगे दो से चार दिन में आपके डोर स्टेप पर आपका सप्लीमेंट आपको पहुंच जाता है और दूसरी चीज ये कि यहाँ पे आपको सारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत अच्छे रेट्स पे मिल जाते हैं वेबसाइट का लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ वहां से जाके आप अपना फिटनेस गोल्स जो भी हैं आपके जो भी आपको सप्लीमेंट्स बाय करने हैं वो आप खरीद सकते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक है जाके जो भी आपको बाय करना है वो बाय करें अब हम आते हैं हमारी मिस्टेक्स के ऊपर सो गाइस सबसे पहली मिस्टेक की बात हम करेंगे वो है हमारा रॉन्ग डाइट जितने भी हमारे भाई हैं जितने भी हमारे बहनें हैं उनको ऐसे लगता है कि हमको पतला होना जैसे न्यू ईयर आया रेजोल्यूशन ले लिया पतला होना या मुझे गेन करना है तो बहुत ज़्यादा इतना ज़्यादा डाइट में उस तरह से इन्वॉल्व होते हैं कि जिनको गेन होना है वो तो खाना शुरू कर देते हैं बहुत ज़्यादा विच रिजल्ट इन आपको दिखाई देगा कि कुछ दिनों के अंदर आपकी बॉडी के ऊपर मसल्स तो मसलस उल्टा फैट आ गया सबसे बड़ी मिस्टेक है दूसरी चीज बहुत सारे जो फैट लॉस वाले लोग होते हैं उनको ऐसे लगता है कि मैं कल से ही स्ट्रिक्ट डाइट करना शुरू कर दूंगा और सब कुछ खाना छोड़ देते हैं तो उसमें उनको क्या देखने मिलता है फैट लॉस तो हुआ नहीं उल्टा मसल लॉस हो गया बहुत ज़्यादा खाना एकदम से बंद कर देते हैं उनको वीकनेस देखने मिलती है उनको आ, बहुत ज़्यादा एंगजाइटी देखने मिलती है किसी भी चीज़ में मन नहीं करता कुछ कोई भी काम करने का मन नहीं करता और बहुत ज़्यादा इरिटेटेड रहते हैं अब जब खाओगे नहीं तो बॉडी में एनर्जी से होगी एनर्जी नहीं होगी तो अच्छा वर्कआउट नहीं कर पाओगे फोकस किसी भी चीज़ पर नहीं कर पाओगे तो मेक श्योर ये जो डाइट वाला मिस्टेक है अगर आप गेन करना चाहते तो स्लोली डाइट जो हो जाएगी हमारी स्लोली ऊपर जाएगी या स्लोली नीचे आएगी अगर आप गेन करना चाहते तो आज अगर आप दो रोटियां खाते हैं चार रोटियां खाते हैं तो कल से आप छह रोटियां पांच रोटी खाना शुरू करें कैलोरीज जो हैं उनको धीरे धीरे सरप्लस में लेके जाना शुरू करें आज आप 2000 कैलोरीज खाते हैं 2000 कैलोरीज खाते हैं तो कल आप 2100 कैलोरीज खाएं परसों बाईस सौ इस तरह से धीरे धीरे ये नहीं आज आज तक की डाइट जो थी वो आपकी दो कैलोरीज की थी कल से आप सीधे पाँच कर दो इस तरह से आपको उल्टा फैट गेन होगा मसल गेन नहीं होगा फैट लॉस वालों के लिए ये है कि धीरे धीरे कैलरिक डेफिसिट में जाए खाना धीरे धीरे छोड़ें अगर आप आज पूरे दिन में छः रोटी खाते हो तो मेक श्योर sure कल से आप पाँच खाना शुरू करो यो ये कि कल से ही आपने एक रोटी खाना शुरू कर दिया आपको लगेगा मसल लॉस फैट लॉस हो जाएगा फैट लॉस नहीं होगा उल्टा मसल लॉस हो जाएगा और फैट लॉस के साथ वो जो लीन मसल गेन होता है ना वो आपको देखने नहीं मिलेगा तो मेक मेकश्योर sure जब आप कैलरिक डेफिसिट डाइट पर जा रहे हो तो अगर आप दो हज़ार पच्चीस सौ करते हो पूरे दिन के अंदर तो मेक श्योर नेक्स्ट डे से आप उनको घटाकर 500 से 400 सौ कैलरीज कम जाएं देन धीरे धीरे कम जाएं और मेक श्योर जिम के अंदर भी ज़्यादा से ज़्यादा कैलरीज बर्न करने की कोशिश करें तो इस तरह से अपने डाइट को बढ़ाना है, है, या घटाना है ग्रेजुअली एकदम से इंक्रीज़ या डिक्रीज़ नहीं करना है तो उसके अंदर आपको किसी भी तरह के आपके फिटनेस गोल्स तो पूरे होते दिखाई नहीं देंगे उल्टा आपको मिलेगा डिससेटिस्फेक्शन और आप डीमोटिवेट भी हो सकते हैं दूसरी जो गलती मुझे दिखाई देती है हमारे यंगस्टर्स के अंदर हमारे टीनियर्स के अंदर या बिगिनर्स के अंदर वो ये दिखाई देती है कि दे आर टू मच डिपेंड ऑन सप्लीमेंट्स उनको ऐसे लगता है कि जब मेरे पास सप्लीमेंट होगा तो ही मैं जिम जाऊंगा अगर किसी को गेन करना तो वो कहेगा पहले भैया मैं गेनर ले लेँ या पहले मैं सप्लीमेंट ले लेँ और जब वो आ जाएगा तो ही मैं जिम जाना शुरू करूँगा या उसके बिना मेरी बॉडी बनेगी ही नहीं ये जो सोच है इसको आप छोड़ दें यार देखो ये जो सप्लीमेंट्स है ना ये सिर्फ रिप्लेसमेंट है अगर आपको छः अंडे अगर आपको एक स्कूप प्रोटीन नहीं मिल रहा एक स्कूप के अंदर जाओ बीस पच्चीस ग्राम प्रोटीन होता है उसकी जगह आप छः अंडे खा लो बात बराबर है तीसरी सबसे बड़ी मिस्टेक तो तीसरी जो हम सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं वो क्या करते हैं वो ये करते हैं हमारे पास वर्कआउट टेक्निक और फॉर्म सही नहीं होती हैं हम कितनी बार वीडियोस रील्स टिकटॉक यूट्यूब वीडियोस बनाने के चक्कर में हैवी उठा हैवी लिफ्टिंग के चक्कर में या हैवी अपने आप को दिखाने के चक्कर में कि मैं जिम के अंदर जाके इतना हैवी वेट उठाता हूँ उसके अंदर आपके फॉर्म और टेक्निक बिल्कुल गलत होते हैं जो मेरे बिगनर भाई हैं उनको शर्म आती है ट्रेनर से पूछने में मेक श्योर आप जिम अगर जा रहे हैं इतना कीमती टाइम दे आप जिम जा रहे हैं तो कम से कम जो आप वर्कआउट परफॉर्म कर रहे हो उसको सही डायरेक्शन में सही टेक्निक के साथ परफॉर्म करें किसी से भी पूछने में शरमाए ना जिम के अंदर अगर आपको सीनियर्स मिलते हैं तो आप उनकी हेल्प ले सकते हैं बट मेक श्योर आप जो वर्कआउट कर रहे हैं वो प्रॉपर टेक्निक और प्रॉपर फॉर्म के साथ कर रहे हैं अभी क्या है ना अगर मैं दस किलो का डबल उठा के बाइसेप्स करूंगा तो मेरा हाथ यहाँ जा रहा है और वापस आ रहा है तो मेरा इसके अंदर आर्म्स सिर्फ इन्वॉल्व हो रहा है तो जो मेरा आर्म्स के ऊपर फेलियर है ना मसल फेल हो रही है वहाँ मुझे मसल्स की ग्रोथ दिखने मिलेगी चाहे मैं छोटे डंबल से करूँ चाहे बड़े डंबल से करूँ और मैं बीस किलो का डंबल लेके इस तरह से हिल रहा हूँ पूरा और उसको कर रहा हूँ तो इसमें मेरा फोर आर्म भी इन्वॉल्व हो रहा है मेरी लोअर बैक भी हो रही है मेरा शोल्डर भी हो रहा है क्योंकि शोल्डर से भी पावर लग रही है तो मुझे ऐसा लग रहा है मैं, मैं जिम का हीरो मैं बीस किलो के डंबल से डम्बल कर रहा हूँ कोई हीरो नहीं है कोई भी जीरो नहीं है अगर आपसे जितना वेट उठता है आपकी बॉडी आपकी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग आप उतना ही वेट उठाएं बट मेक श्योर प्रॉपर टेक्निक और प्रॉपर फॉर्म के साथ ही अपना वर्कआउट परफॉर्म करें तो अब बात करेंगे हमारी चौथी सबसे बड़ी गलती की कि इसके अंदर चौथी जो बड़ी गलती है वो है हमारी प्रॉपर रेस्ट जो हम नहीं कर पाते हैं बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिनको ऑफिस जाना होता है कॉलेज जाना होता है स्कूल जाना होता है दैट इज़ एब्सोल्युटली फाइन वो करना भी अल पार्ट ऑफ लाइफ है वो नहीं होगा तो आप खाओगे कहाँ से ना लेकिन जो गलत है वो ये है कि आप जिम के अंदर बहुत अच्छा वर्कआउट परफॉर्म करने के बाद जब आप घर जाके फ़ोन के अंदर घुसे होते हो और फ़ोन के ऊपर आप दो तीन चार घंटे वेस्ट कर रहे होते हो एंड बॉडी को जो रेस्ट मिलना चाहिए छः से आठ घंटे का वो अगर आप नहीं दे रहे हो तो मेरे भाई आई एम सो सॉरी टू से आपका ना वेट बढ़ेगा ना घटेगा ना आपका मसल गेन होगा ना ही आपका फैट लॉस होगा बॉडी जितना काम करती है उतना ही वो रेस्ट मांगती है और जब उसको हम रेस्ट देते हैं रात को हम सोते हैं छः से आठ घंटे वो जो टाइम होता है हमारा स्लीपिंग का दैट इज़ द टाइम इन विच बॉडी रिकवर एवरी मसल हर मसल को बॉडी उस टाइम पर रिकवर करती है जब आप सो रहे होते हो उन मसल्स को जिनको आप जिम के अंदर तोड़ के आए हो ना उनको अच्छा रेस्ट दे रहे होते हो तो उनको रीग्रो होने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है एंड वो कहीं कही ना कहीं बहुत बड़ा फैक्टर है हमारे मसल ग्रोथ का तो मेक श्योर ये गलती आप कभी भी ना करें सो so इस पांचवी गलती के बारे में बात करेंगे प्रोग्रेसिव ओवरलोड हमारे बहुत सारे भाइयों को ऐसे लगता है कि हम प्रोग्रेसिव ओवरलोड का मतलब नहीं समझ पाते हैं उनको ऐसा लगता है कि हम जब वीडियोस देखते हैं बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स की तो वो कितना ज़्यादा ज़्यादा वेट उठा रहे हैं हम नहीं उठा पा रहे दैट मीन्स हमारी प्रोग्रेस में कहीं ना कहीं कमी है मेरे भाई मैं आपको एक चीज बिल्कुल साफ क्लियर कर देना चाहता हूं प्रोग्रेसिव ओवरलोड का मतलब यह बिल्कुल भी नहीं होता कि अगर आज आपने 60 के से बेंच प्रेस किया है तो अगले हफ्ते आपको 80 से करना 20 किलो बढ़ाना है 40 किलो बढ़ाना है प्रोग्रेसिव ओवरलोड मीन्स और ये करना भी ज़रूरी है जितने भी भाई मेरे मसल या बहनें मेरी मसल गेन करना चाहते हैं फैट लॉस करना चाहते हैं मेक श्योर sure आप प्रोग्रेसिव ओवरलोड ये जो वर्ड है इसको अपने माइंड में रखें और अपनी प्रोग्रेस को किस तरह से आप चेक करेंगे कि अगर आप आज इस हफ्ते अपने चेस्ट के ऊपर फिफ्टी के वेट मारा है तो अगले हफ्ते जब आपका चेस्ट का नंबर आएगा या लेग्स का नंबर आएगा या शोल्डर्स का नंबर आएगा तो मेक श्योर sure उसके अंदर आप एक किलो का वेट भी इंक्रीज कर रहे हैं दैट इज़ प्रोग्रेसिव ओवरलोड जरूरी नहीं आप 20 किलो 50 किलो ही इंक्रीज करें तो ही वो प्रोग्रेसिव ओवरलोड में काउंट होगा आप एक किलो डेढ़ किलो भी करें प्रोग्रेसिव ओवरलोड मतलब प्रोग्रेस करते हुए लोड को बढ़ाना अब प्रोग्रेस तो एक किलो की भी है दो किलो की भी है तीन किलो की भी है तो आप जब धीरे धीरे एक एक दो दो किलो वज़न बढ़ाते हुए जाएंगे तो आप देखेंगे आपकी मसल्स की वेट उठाने की कैपेसिटी बढ़ती जा रही है और साथ में आप देखेंगे कि आपकी बॉडी में आपको मसल गेन भी देखने को मिल रहा है और पूरी मसल्स की स्ट्रेंथ बॉडी की स्ट्रेंथ भी इंक्रीज हुई है तो ये कहीं कही ना कहीं बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारे मसल बिल्डिंग गोल्स में हमारे यू नो फैट लॉस गोल्स में जितना अच्छे से आप प्रोग्रेस करेंगे ये नहीं कि पहले दिन जिम में जाते ही पूरी प्लेट्स उठा के इंजरी कर लेनी है चोट लगा लेनी है ऐसा नहीं करना है मेक श्योर sure आप धीरे धीरे प्रोग्रेसिव ओवरलोड की तरफ बढ़े एक किलो डेढ़ किलो दो किलो इस तरह से आप अपना वीकली लोड को बढ़ाएं जितना बढ़ा सकते हैं छठी जो गलती हम करते हैं वो क्या करते हैं कंपाउंड मूवमेंट्स करने में हमें बहुत डर लगता है हमें ऐसे लगता है बस हम डोलो का वर्कआउट कर लें ट्राइसेप्स का वर्कआउट कर लें हल्की हल्की चेस्ट पे बटरफ्लाई कर लें और बस ऊपर से हमारी बॉडी अच्छी हो जाए तो हम बहुत अच्छे दिखेंगे हम कंपाउंड मूवमेंट्स को इग्नोर करते हैं बहुत सारे लोग कि स्क्वाच से उन्हें डर लगता है कि स्क्वाच नहीं करूंगा बहुत सारे लोगों को डेड से डर लगता है बहुत सारे लोगों को सुमो डेड से डर लगता है मुझे भी थोड़ा बहुत लगता है अगर आपसे बहुत ज़्यादा हैवी नहीं उठता तो मत उठाओ बट मेक श्योर आप उन कंपाउंड मूवमेंट्स को परफॉर्म कर रहे हैं अपनी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग जितना मर्जी वेट आप लगा पा रहे हो उतना लगाएं बट मेक श्योर आप परफॉर्म कर रहे हैं कंपाउंड मूवमेंट्स बिकॉज क्या होता है कंपाउंड मूवमेंट से हमारी बॉडी में नेचुरल टिस्टोस्ट्रॉन प्रोडक्शन ज़्यादा होता है आप जितना ज़्यादा लेग्स का वर्कआउट करोगे आपकी बॉडी में नेचुरल टिस्टोस्ट्रॉन प्रोडक्शन जो होगा वो ज्यादा होगा आप सीधी सी बात है जब हमारा जो मेल हार्मोन है वो हमारे अंदर ज़्यादा है तो जो हमारी बॉडी के अंदर नेचुरल टिस्टॉस्ट्रॉन प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है तो आप देखेंगे आप फैट लॉस भी ईजीली कर पाओगे आप मसल गेन भी ईजीली कर पाओगे तो नेवर स्किप कंपाउंड मूवमेंट्स इन द जिम अगर आपको डर लगता है तो मेक मिक्स्योर sure आप किसी ट्रेनर के साथ या अपने किसी सीनियर के साथ थोड़ा थोड़ा उसको परफॉर्म करना शुरू करे मैं नहीं कहता कि आप सीधे जाके आ, बार के नीचे घुसो और 200 किलो से स्क्ॉच मारना शुरू कर दो आप थोड़े बहुत के साथ भी कर सकते हैं कोई टेंशन वाली बात नहीं है बट मेक मिक्स्योर आप कंपाउंड मूवमेंट्स को जिम के अंदर जाके इग्नोर नहीं करोगे और साथ सातवीं सबसे बड़ी गलती जो मैं देखता हूँ वो ये देखता हूँ कि लोगों के पास प्रॉपर वर्कआउट शेड्यूल्स ही नहीं है लोगों ने आज राजवीर सिसोदिया का बाइस एफ वीडियो देखा बाइसेप ट्राइसेप्स चॉइस वहाँ से कर लिया अगले हफ़्ते रूबल धनगढ़ का देखा वहाँ से कर लिया उससे अगले हफ़्ते तरुण गिल का देखा वहाँ से कर लिया उससे अगले हफ़्ते रोहित खतरी का देखा वहाँ से कर लिया मेरे भाई हमारी जो मसल्स हैं ना इनको हर चीज़ की आदत हो जाती है आप जो खा रहे हो उसकी भी जो आप वर्कआउट कर रहे हो उसकी भी अगर मैं हर हफ़्ते अलग वर्कआउट करूंगा तो मेरी मसल्स मुझको बेवकूफ़ समझ समझिए ना रिस्पोंड करना बंद कर देगी तो अगर मुझे तीन से चार हफ़्ते मेरे बाइसेप्स के पीक पे काम करना है तो मैं तीन से चार हफ्ते बाइसेप्स के पीक पे काम करूंगा तीन से चार हफ्ते बाद मेरी बॉडी समझना शुरू हो जाएगी कि ये ना सिर्फ पीक को तोड़ रहा है तो पूरे लॉन्ग हेड को टारगेट नहीं कर रहा है तो जब मैं चार हफ्ते अपने पीक पे काम करने के बाद लॉन्ग हेड पे जब काम करूंगा चार हफ्ते बाद तो बॉडी को समझ में आएगा अब इसने बाइसेप्स के पीक को छोड़ दिया अब ये लॉन्ग हेड पे काम कर रहा है तो हमको क्या करना है प्रॉपर वर्कआउट शेड्यूल्स को फॉलो करना है किसी भी इंसान का आप कर सकते हो कोई आपके पास अगर कोई कोच है तो वेल एंड गुडा अदरवाइज मेरे चैनल की प्ले में जाइए पूरे हर अट्ठाईस दिन का वर्कआउट आपको मिल जाएगा चार हफ्ते कोई भी एक एक्सरसाइज एक आप परफॉर्म करें ठीक से, से, से चार से पाँच एक्सरसाइज तीन से चार सेट बारह से अट्ठारह बीच। इस तरह से आप परफॉर्म करें जो वर्कआउट आज गया जैसे चेस्ट का आज गया तो अगले हफ्ते भी चेस्ट का वही वर्कआउट करें उससे अगले भी वही करें देन एक महीने के बाद अपना वर्कआउट बिल्कुल डिफरेंट चेंज कर दे तो उससे मसल्स को शॉक मिलता है और कहीं ना कहीं आ, मसल्स को ऐसा लगता है कि दिस मैन इज़ वेरी स्मार्ट इसको पता है मुझे कितनी बार कहाँ से शौक देना है या कितनी बार कहाँ से मुझे तोड़ना है तो मसल हमको समझ नहीं पाती है और हमारी मसल जब बार बार अलग अलग जगह से उसको हम शौक़ देते हैं या तोड़ते हैं तो वो उतना ही ज़्यादा ग्रो करती है चाहे आप फैट लॉस पे हो चाहे आप मसल बिल्डिंग पे हो और लास्ट जो आप लोग गलती करते हो या मेरा ये फार्मूला है जिन लोगों को काब साइकिल के बारे में नहीं पता या काब्स को लोड करना नहीं आता किस तरह से करना है जो फैट लॉस वाले बंदे होते हैं वो क्या करते हैं बिल्कुल फैट लॉस पे चले जाते हैं काप्स खाना बिल्कुल छोड़ देते हैं बहुत सारे मैंने देखा कि जीरो काप्स पे आ जाते हैं जिससे उन्हें वही कमजोरी वीकनेस इंटरनल ऑर्गन्स बिल्कुल मतलब जान लगाना छोड़ देते हैं बहुत बहुत श्रिंक हो जाती है सारी चीज़ें तो हमें आ, काप किस तरह से लोड करना अगर आप गेनिंग पे हो तो आपको किस तरह से करना अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी बॉडी पे फैट आ रहा है आप गेन करना चाह रहे हो बट आपकी बॉडी पे फैट आ जा रहा है तो आप किस तरह से मैं इस तरह से करता हूँ जब मैं कटिंग पे होता हूँ भी गेन कर रहा होता हूँ तो छः के छः दिन काप्स खाता हूँ और जब कटिंग पे होता हूँ ना तो मैं किस तरह से आपको सीक्रेट बता रहा हूँ आज मेरा कि आधे लोग कहते हैं भाई आप कभी इतने मोटे हो जाते हो कभी एकदम बॉडी लीन कर देते हो श्रेड हो जाते हो आ जाते हैं तो किस तरह से करता हूँ मैं जैसे मंडे में काप्स खाऊंगा थोड़ा सा मंडे मैंने काप्स खाया और मंडे को मैंने चेस्ट एंड ट्राइसेप्स का वर्कआउट किया बहुत अच्छा वाला अब नेक्स्ट डे मैं जीरो काप पे आ जाऊंगा आज मैंने काप्स खाया कल मैं जीरो काप्स पे आ जाऊंगा पूरे दिन काप्स नहीं खाऊंगा सिर्फ प्रोटीन डाइट पे रहूंगा और उसमें मैं बॉडी से भी ज़्यादा काम नहीं लूंगा सिर्फ सुबह जाकर आधा पौना घंटा कार्डियो करूंगा उसके बाद थोड़े थोड़े ऐप्स करूंगा थोड़ा थोड़ा मेरा साइड्स का वर्कआउट करूंगा दैट्स इट ये मेरा खत्म हो गया अब अगले दिन मैं फिर से काब्स खाऊंगा दोपहर को या सुबह या शाम तीनों टाइम थोड़ा थोड़ा ले लूंगा जिससे मेरी बॉडी में एनर्जी ज्यादा अच्छी रहे और देन मैं मेरा बैक का हैवी वर्कआउट करूंगा और बाइसेप्स का हैवी वर्कआउट करूंगा जिससे मुझे किसी तरह की कोई कमजोरी फील नहीं होगी उसके नेक्स्ट डे मैं फिर से जीरो काब हो जाऊंगा सिर्फ प्रोटीन डाइट लूंगा पूरे दिन एंड कार्डियो uh, करूंगा सुबह एब्स और थोड़ा सा साइड्स दैट्स इट ना बॉडी में वीकनेस फील होगी बॉडी में वीकनेस फील जब होती है जब हमने बॉडी को प्रॉपर काब्स नहीं दिया हमारी बॉडी में एनर्जी नहीं है और हम बॉडी से काम ज्यादा करवा रहे हैं तो बॉडी को कमजोरी फील हो रही है अब जब हम कुछ कर ही नहीं रहे थोड़ा सा कार्डियो किया थोड़े से एब्स किए तो उसमें बॉडी इतना थकती नहीं है उसके नेक्स्ट डे फिर से मैं काब्स खाऊंगा फिर मैं लेग्स का और मेरे शोल्डर्स का थोड़ा थोड़ा वर्कआउट करूँगा हैवी कर लूंगा कोई टेंशन नहीं आने वाली मेरी परफॉर्मेंस में मेरे वर्कआउट की उसके नेक्स्ट डे मैं रेस्ट करूंगा तो इस तरह से तीन दिन आप काप्स खा सकते हैं तीन दिन आप हाई प्रोटीन डाइट पर करें जीरो काप कर लें हाई प्रोटीन डाइट पर करें और तीन दिन, दिन आप थोड़ा थोड़ा काप्स तीनों मील में खा सकते हैं तो इस तरह से आप मेरे ये फंडे हैं भाई जो मैं देख रहा हूँ या जो गलतियाँ मैं करता था तो मुझे लगा ये वीडियो बना देना चाहिए तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो आज की वीडियो में इतना ही कोई मसल बिल्डिंग मिस्टेक मुझे फिर से मेरे दिमाग में आती है एज यू नो मैं पढ़ के या स्क्रिप्ट बना के काम नहीं करता हूँ मेरे दिमाग में जो चीज़ें आती हैं या मैं देखता हूँ या मैंने अपनी रियल लाइफ में गलतियाँ की हैं उनसे मैं वीडियोज़ बनाता हूँ तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो कोई वीडियो मेरे दिमाग में नया आएगा या कोई टॉपिक नया आएगा कि आप कहाँ गलती कर रहे हो या मैं कहाँ गलती किया करता था तो नेक्स्ट वीडियो फिर से बनाऊँगा मिस्टेक्स के ऊपर तो आज के लिए सिर्फ इतना ही न्यूट्राबे डॉट कॉम का मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया जितने भी मेरे भाई न्यूट्राबे डॉट कॉम से सप्लीमेंट खरीदना चाहें ओरिजिनल ऑथेंटिक्स अच्छे प्राइस में दो से तीन दिन के दो से पाँच दिन के अंदर आपके पास डिलीवरी पहुंच जाएगी तो वो न्यूट्राबे डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर सकते हैं थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो लव यू ऑल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में देन मत पड़ो चक्कर में कोई नहीं टक्कर में बाय